टेबल है। हाँ, ये एक चीज है कि इसकी राइडिंग हाइट आप जैसे देख सकते हो, मेरी हाइट 5'3" है, तो मेरे पैर आराम से पहुंच जाते हैं। भाई सामने से बताना आप, ये जैसे मैं ये गाड़ी उठाया तो मेरे पैर आराम से पहुंच जाते, तो इस पर राइड क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखा जाए गाड़ी की टॉप स्पीड 170 की है, जो कि डोमिनर से 10 किलोमीटर ज़्यादा है और कहीं ना कहीं 390 के आसपास है। इसमें से आप कितना दोगे गाड़ी? इसमें से मैं उसको 9 दूंगा। 9 दोगे? हाँ, जो एक काट दूंगा। क्यों? हाँ, क्योंकि मैं जब चलाता हूँ तो आगे वाला मेरे को ही सपोर्ट देता है, इसकी वजह से मैं एक काट दूंगा। और अभी तक कितना लंबा आप गाड़ी चला चुके? मैं एक बार दमन गया हूँ, तो यहाँ से इतना किलोमीटर 100, यहाँ से 100 किलोमीटर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज आई है निंजा 400, जो कि कावासाकी कंपनी की है, जिसमें आते हैं 2 सिलेंडर, जो कि प्रोड्यूस करती है आपको ऑलमोस्ट 44.7 bhp एंड 37 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसमें आपको मिल जाते हैं कंफर्टेबल सीट, और इसकी जो टैंक है वो 14 लीटर के 2.8 लीटर का इसमें रिजर्व आता है, एनालॉग प्लस डिजिटल। इसमें आपको स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको गियर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको स्क्रीन मिल जाती है जो कि आपको स्पीड बताती है, रेंज बताती है। और गाड़ी एक फुल टैंक में अराउंड 350 किलोमीटर चल जाती है, और एवरेज इसका ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर पर लीटर आता है। गाड़ी में 2 पिस्टन गाड़ी है, पावर के मामले में कोई दो राय नहीं है, गाड़ी बहुत पावरफुल गाड़ी है। कंपेयर किया जाए डोमिनर से और 390 से, तो उसको ये टक्कर दी, उस सेगमेंट की ये गाड़ी है। प्राइस की बात करी जाए तो प्राइस नो डाउट गाड़ी का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू इसके सेगमेंट में जितनी गाड़ियाँ हैं, जो कि आपको ये 6 लाख के आसपास की पड़ती है ऑन रोड, और एक शोरूम आपकी पड़ती है 5,25,000 की। गाड़ी में देखा जाए तो ड्यूल चेन ABS आते हैं, इसमें आपको मिल जाते हैं 6 गियर, जो कि नीचे 1 डाउन शिफ्ट और बाकी 5 अप शिफ्ट। ड्यूल चेन ABS आ जाते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर सेफ्टी मिल जाती है, क्योंकि ब्रेकिंग काफ़ी गाड़ी की अच्छी हो जाती है। आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट शॉकअप्सर मिल जाते हैं, मोनोस्कोप पीछे मिल जाते हैं, जो कि नो डाउट कंफर्टेबल है। हाँ, ये एक चीज़ है कि इसकी राइडिंग हाइट आप जैसे देख सकते हो, मेरी हाइट 5'3" है, तो मेरे पैर आराम से पहुँच जाते हैं। भाई सामने से बताना आप, ये जैसे मैं ये गाड़ी उठाया तो मेरे पैर आराम से पहुँच जाते, तो इस पर राइड क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखा जाए तो क्लच नो डाउट स्मूथ है, गाड़ी BS6 है, और गाड़ी में देखा जाए तो ऐसा मेरे को कोई भी अभी तक एक वो नहीं लगा। राइडिंग पोस्चर भी जो है, शोल्डर पे उतना पेन नहीं है जितना RC में आता है। RC 390 में मैं जैसे चलाया हूँ गाड़ी, यहाँ पे बहुत लोड आता है कंपेयर टू इसमें। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, पिनन सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। गाड़ी का वेट है 168 किलो, और गाड़ी में आपको मिल जाते हैं 17 इंच के एलॉय, जिसको अपन एलॉय भी लेंगे। सामने में है इसका 110/70/17, और पीछे में आते 150/60/17। तो पीछे के टायर नो डाउट थोड़े से मोटे रहेंगे, क्योंकि ग्रिप व्रिप के लिए चाहिए ही रहेगा आपको। सीट हाइट देखी जाए तो मेरे जैसे जो 5'2" के जो हाइट है, उसके हिसाब से आराम से मेरे पैर पहुंच जा रहे हैं, और मेरे को कोई इशू नहीं। तो छोटी हाइट वाले आराम से ये गाड़ी चला सकते हैं। नो डाउट जो कॉस्ट है बाइक का, वो थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू 390 और डोमिनर, क्योंकि डोमिनर ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास आ जाती है, और उससे थोड़ी ऊपर प्राइस रेंज में आपको RC और ड्यूक आ जाती है। ये एक चीज़ है गाड़ी में। एक और चीज़ अच्छी है कि इसका फ्यूल इंडिकेटर और हीट इंडिकेटर साथ में दिया है, और जो गियर वाला इंडिकेटर है वो भी अच्छे से दे दिया है। गियर शिफ्ट के भी इसमें आपको वो में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो कुछ चीज़ें फीचर्स ज़्यादा है कंपेयर टू कुछ गाड़ियों से, और कुछ फीचर कम है इसमें। आपको डे लाइट और वैसा वाला, जैसे ड्यूक में आता है कि स्क्रीन चेंज हो जाती है, कलर चेंज होता है, दिन में वाइट रात में ब्लैक, वैसा इसमें वो फीचर नहीं है। इस प्राइस रेंज में इसमें फीचर होना चाहिए था। ये इसके इंडिकेटर्स है जो कि मिरर में नहीं दिया, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, अगर ये मिरर टूटा तो आपको पूरा सेट चेंज करना पड़ता, क्योंकि इंडिकेटर के साथ आता है। इसके इंडिकेटर यहाँ दिए हैं, इसमें आपको यहाँ पे 2 हेडलाइट मिल जाते हैं जो कि LED है, और इसका थ्रो हाईवे पे डिसेंट है, ना कि ज़्यादा अच्छा बोलूँगा ना कि ज़्यादा ख़राब बोलूँगा। आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में आप इसमें एक रैश गार्ड लगवा सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल थिंग है ये सब बाइक में। प्लस इसमें एक चीज़ जो है आपको लगे कि आप यहाँ पे देखेंगे, हॉर्न कहाँ पे दिया आप देखिए, हॉर्न जो है वो थोड़ा सा प्लेसमेंट ऐसा दिया है कि
भाई आप कोई बाइक दे रहे हो, स्पोर्ट्स बाइक दे रहे हो, तो थोड़ा हॉर्न तो जोरदार देना चाहिए। रही बात इसके पीछे आ जाए अपन, तो टेल लाइट इसकी काफ़ी डिसेंट है, इंडिकेटर एलईडी इंडिकेटर्स नहीं है। आपको आफ्टर मार्केट इसमें, ये गाड़ी में आफ्टर मार्केट एससी प्रोजेक्ट फर्स्ट कॉपी डला हुआ है। प्लस देखा जाए डिस्क का साइज़ भी डिसेंट है पीछे के साइड में, सामने ऑब्वियसली बात है सामने डिस्क साइज बड़ा रहता है। और इस टेलीस्कोपिक, जैसे मैंने आपको बताया टेलीस्कोपिक आपको इसमें फ्रंट सस्पेंशन मिल जाता है ड्यूल चेन एबीएस के साथ। कावासाकी ने एक चीज़ बहुत इसकी प्रॉपर रखी, जो कि गाड़ी की फिट एंड फिनिशिंग है वो बहुत प्रॉपर है कंपेयर टू बाकी सब गाड़ियों। वाइब्रेशन के हिसाब से गाड़ी में ना, मतलब ना बराबर वाइब्रेशन है गाड़ी में, और नई गाड़ी है तो और कम है। इसमें वारंटी आपको 2 साल की मिल जाती है प्लस 30,000 किलोमीटर, 2 साल नहीं तो 30,000 किलोमीटर तक में आपकी इसकी वारंटी वैलिड रहेगी, उसके बाद वारंटी वैलिड नहीं रहेगी। गाड़ी की टॉप स्पीड 170 की है, जो कि डोमिनर से 10 किलोमीटर ज़्यादा है और कहीं ना कहीं 390 के आसपास है, क्योंकि डोमिनर 160-164 तक ही जाती है, उसके ऊपर नहीं जाती है। 160 ज़्यादातर 160 जाती है, ये 170 तक जाती है और उसके बाद लिमिटर आ जाता है। नो डाउट आजकल की बाइक्स में लिमिटर आते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पज। आपको मैं इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, 2 सिलेंडर है तो इसका एग्जॉस्ट नोट नो डाउट सिंगल सिलेंडर से तो अच्छा ही रहेगा। गर्म हो जाएगी अच्छी खासी तो नो डाउट बैक फायर मारेगी गाड़ी। और एक और चीज़ है, इसका एग्जॉस्ट का जो आपका सेटिंग दिया है वो थोड़ा सा खराब दिया, क्योंकि इससे ये इंडिकेटर जल सकता है। अगर बैक फायर मारने लग गई गाड़ी तो डायरेक्ट इंडिकेटर पे आकर इंडिकेटर का प्लास्टिक जल जाएगा, पिघल जाएगा। और यही था, पीछे आपको ऑयल का दे दिया, .4 ऑयल जाएगा तो सामने भी सेम। सो ये मेरे भैया है जो बाइक के ओनर है, तो भैया आप बताइए आपको राइड क्वालिटी कैसी लगी, 10 में से आप कितना दोगे गाड़ी? 10 में से मैं उसको 9 दूंगा। 9 दोगे? हाँ, क्यों? एक का काट लूँगा क्यों? हाँ, क्योंकि मैं जब चलाता हूँ तो आगे वाला मेरे को ही सपोर्ट देता है, इसकी वजह से मैं एक काट लूंगा। और अभी तक कितना लंबा आप गाड़ी चला चुके? मैं एक बार दमन गया हूँ, यहाँ से 100 किलोमीटर है गया हूँ मैं, लेकिन 1 घंटे में ही मैं पहुँच गया था। मतलब कि मेरे साथ और लोग भी थे ना, तो मेरे से ज़्यादा स्पीड में जाने वाले, तो उसकी वजह से मैं भी 1 घंटे में ही पहुँच गया था उन लोगों से। क्या एवरेज एवरेज आपको लगी तो कितने के आसपास आ रही होगी? एवरेज 22+ 22 22-25 के बीच में दे दिया। और आपको कंफर्ट के हिसाब से कैसा लग रहा है गाड़ी? सिटी में चलाने से एक नंबर का है कंफर्ट में, वाइब्रेट भी नहीं होता है। आपने अभी तक 1400 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तभी तक कोई कंप्लेन आपको? ना, कोई कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं है। मतलब एक बार सर्विस करवा लिया है मैंने। हाँ, सर्विस कॉस्ट कितना आता है? सर्विस कॉस्ट अंदर से 700-750 जितना होता है, 7,000-8,000 के बीच में इसकी सर्विस कॉस्ट आती है। मैक्सिमम भी गाड़ी में अगर चीजें चेंज होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 जाएगी। तो 400 सीसी के हिसाब से एक एंट्री लेवल सुपर बाइक के हिसाब से गाड़ी का जो सर्विस कॉस्ट है वो उतना ज्यादा हाई नहीं है। और भैया जैसे बताइए 100 किलोमीटर भी चला आराम से कम्फर्टेबली वो उतना जा पाए हैं कि 1 घंटे में कवर कर ले रहे हैं विदाउट बैक पेन विदाउट एस पेन, तो कोई इशू नहीं है। मतलब कंफर्ट के मामले भी अच्छा, क्योंकि सीट की जो क्वालिटी है प्रॉपर कुशनिंग है सीट में, तो इतना है नहीं। हाँ, नो डाउट पिलन को थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि पिलन को पीछे में हमेशा दिक्कत होता है ये सब बाइक में, तो वो तो अलग बात रही, क्योंकि आप ज़्यादातर पिलन में लेके इस गाड़ी को नहीं जाएंगे लॉन्ग में। कोई कोई होगा जो जाते हैं ज़्यादा, तो उसके लिए फिर एडवेंचर बाइक और यही सब लेते हैं। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ गाड़ी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिए, पूछिए कि भाई ये चीज़ें हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। और रही बात तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो गाड़ी काफ़ी सही है। प्राइस रेंज नो डाउट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आपके पास पैसे हैं तो पैसा भाई सब, तो सब कुछ खरीद सकते हैं आप। तो यही एक चीज़ है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।